नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या है 14 क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई हूज सम इज 60। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और बोल रहा है एक्स वाई का सम कितना है 60। ठीक है, ये क्या हो गया, ये गिवन हो गया। बोल रहा है एंड प्रोडक्ट x इंटू वाई क्यूब इज मैक्सिमम। x इंटू वाई क्यूब है ना, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो प्रोडक्ट हो गया, और इस प्रोडक्ट को हमने x इंटू वाई क्यूब को मैक्सिमम प्रूफ करना है। मतलब तो प्रूफ में क्या बोलेंगे हम बताओ, ये तो बोलेंगे p, मैं मान लेता हूँ हाँ p इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट लेट p इक्वल्स टू, मैंने लेट कर दिया हाँ, लेट p इक्वल्स टू प्रोडक्ट मैंने मान लिया। तो प्रोडक्ट किसका, x इंटू वाई क्यूब, x और y पे क्यूब कर दिया तो जो वैल्यू आई उनका प्रोडक्ट का सैंपल मैंने p बना दिया है, और इसकी वैल्यू मेरे को दिखानी है क्या मैक्सिमम। और मैक्सिमम का मतलब आप लोग अगर जानते हो तो मैंने बार बार रिपीट करा है, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, किसी तरीके से प्रोडक्ट का डबल डिफरेंशिएशन क्या प्रूफ कर दो। नेगेटिव अगर आपने प्रूफ कर दिया मतलब लेस देन जीरो प्रूफ कर दिया तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। और दूसरा क्या निकालना है, x और y की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो लिख देते हैं टू फाइंड भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स, क्या एक्स पे क्वेश्चन मार्क और वाई पे भी क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, करें स्टार्ट। चलो फिर जल्दी से कर लेते हैं फौरन से, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेटर है, ये इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखो प्रोडक्ट क्या है, पी इज इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब है ना, तो खुद ही बताओ यार मैं एक्स की वैल्यू, ये जो गिवन रिजल्ट है यहां से एक्स की वैल्यू निकालो ताकि यहां रख दें हम, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 60 माइनस वाई आ गई और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसको बोलते हैं हम पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख रहे हैं, ये इक्वेशन 2 मैंने बना ली। ठीक है, इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में रखते हैं, देखते हैं सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो x की जगह क्या लिख दिया हमने, 60 माइनस वाई, ठीक है, और वाई क्यूब चल ही रहा है, देख लो वाई क्यूब चल ही रहा है। क्लियर है, ये मैंने कर दिया है, देखो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन हो गई तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखो, p इज इक्वल्स टू, थोड़ा अंदर पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 60 इंटू वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू वाई, वाई की पावर 4 करें, अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो बताओ 60 तो ऐसी रहा, x की पावर n का जैसा फॉर्मूला बन गया ये 3y स्क्वायर है ना, एन वाई एन माइनस वन। यहाँ पे भी y की पावर n का फॉर्मूला बताओ 4y 4 माइनस वन मतलब 3। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो बताओ dp by dy को हम क्या कहेंगे, जीरो, जीरो कर दो फिर, मतलब 60 इंटू थ्री है, 60 इंटू थ्री है, 63 या 180 होता है, 180 y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब की वैल्यू क्या, जीरो, तो जीरो रख दी मैंने। ठीक है, अब यहां से जो कॉमन आ रहा है पहले कॉमन ले लो, पहले 4 कॉमन आ रहा है यार, 4 कॉमन आ रहा, तो 4 जा 16 हो गया, 4 5 20 हो गया, और साथ में देखो y स्क्वायर भी तो कॉमन आ रहा है, y स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा, देख लो बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, y स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। अच्छा फैक्टर्स क्या क्या आ गए, देखो 4 तो 0 हो नहीं सकता है, 4 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 है ना, तो ये तो इनइक्वालिटी गलत है, तो हम लिख देंगे y स्क्वायर 0 हो सकता है, तो y स्क्वायर 0 का मतलब y इक्वल्स टू 0, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, y की वैल्यू 0 होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगी। देखो x इंटू 0, y की जगह 0 रख देंगे तो प्रोडक्ट तो मैक्सिमम हो ही नहीं पाएगा है ना, तो y तो 0 हो ही नहीं सकता है, तो क्या 0 होगा फिर, अब इसको ले लेते हैं 45 माइनस वाई ही 0 होगा, मतलब माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 45, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 45। ठीक है, ये y की वैल्यू क्या आ गई 45, देखते हैं क्या ये डिफाइन है, बिल्कुल होगा, देखो x की वैल्यू निकल जाएगी तो डिफाइन है, अगर x की वैल्यू 0 नहीं आती तो डिफाइन है बिल्कुल। देखो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देते हैं y की वैल्यू, तो x की वैल्यू देखो 15 आ गई, तो x इक्वल्स टू 60 माइनस y, y की जगह 45, x की वैल्यू क्या आ गई 15, तो बन रहा है ना, x से अगर y क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट की कुछ वैल्यू आ रही है ना, बन रही है ना, 0 से बड़ी आ रही है, ठीक है मैक्सिमम मिल रही है मतलब।
जीरो से बड़ी, इसमें तो जीरो आ जा रहे थे ना पहले वाले में, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं थे। तो इसका मतलब सही डिफाइंड वैल्यू कौन कौन होगी, एक्स की वैल्यू 15 होगी और वाई की वैल्यू 45। ओके वैल्यूज पे एक पार्ट का आंसर आ गया एक्स और वाई की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट को मैक्सिमम दिखाना है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई को नेगेटिव दिखा दो तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो सिंगल डिफरेंशिएशन कहाँ तक करा था, ये देखो ये है स्टूडेंट्स, यही तो सिंगल डिफरेंशिएशन है, इसको एक बार और कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो 16 × 3, तो भैया ये क्या था, ये तो 180 था, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y माइनस 4, ऐसे ही कॉन्स्टेंट है क्योंकि वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर। अरे कुछ नहीं करा है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा रखा है, इतना तो आना चाहिए आप लोगों को। जब इतना नहीं आएगा तो फिर भैया ये मैक्सिमम नहीं नहीं हो पाएगी, क्योंकि तो इतनी चीज़ें आसान नहीं होती हैं। तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182 जा 360 हो गया, 360y माइनस 4 × 12 y स्क्वायर खत्म। अब क्या करते हैं, देखो y की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू कितनी 45 रख दो, और नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए यार, तभी तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू y स्क्वायर, मतलब 45 का स्क्वायर। तो इसको यार मल्टीप्लाई करो, इसको बच्चों मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई यार, मेरा मोबाइल भी कहाँ हो गया, मोबाइल से मैं कर लेता मल्टीप्लाई। 360 को 45 से मल्टीप्लाई करो और 45 के स्क्वायर करके 12 से मल्टीप्लाई करो, तो कुछ नहीं, बस कुछ नहीं है यार, इसको मल्टीप्लाई करो, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, ये वैल्यू यार छोटी आएगी माइनस, और ये जो है वैल्यू, ये वैल्यू बड़ी आएगी, सुनते रहना, ये किसी तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, ये वैल्यू स्मॉलर आएगी, ये वैल्यू बिगर आएगी। और बताओ स्मॉलर वैल्यू माइनस लार्जर वैल्यू, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि नेगेटिव के आगे लार्जर वैल्यू के आगे नेगेटिव साइन है, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या हो गया, नेगेटिव। ये कर लेना आप लोग इतना, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब पी एस क्या हो गया, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम हो गया। कहाँ पे, कब हुआ बताओ, व्हेन, कब होगा, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 15 एंड वाई इक्वल्स टू 45, ये आंसर लिखोगे, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14। थैंक यू।